सिवनी जिले के 10 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाने का मामला सामने आया। बता दें कि छपारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई। युवक ने बताया कि उसके परिवार सहित गांव के 10 लोगों को सतारा जिले में 3 महीने से बंधक बनाकर रखा गया और घर वापस नहीं आने दिया जा रहा था। शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर छपारा थाना प्रभारी ने एक टीम का गठन किया। टीम ने बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्त करा लिया है। इनमें से अधिकांश मजदूर आदिवासी है। थाने को इन्होंने हमको बताया, थाना पहुंचे थे हम लोग, थाने में स्पष्ट बताया कि इन लोगों ने कि हमको 3 बजे रात से पैर खींचते थे, मारते थे, पीटते थे, हमको ले जाकर काम करवाते थे गन्ना का, और गन्ना को भरवाते थे ट्राली में, और ट्राली में भरवा के 12 बजे छुट्टी करते थे, 12 बजे आकर हम खाना बना खाते थे, कभी भूखे सो जाते थे। हाँ, छपारा पुलिस ने सीधे खान साहब गए और ASI और हमारे हवालदार गए ठाकुर साहब, इन्होंने उनको उठाकर वहां से लाए। सूचना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिवनी को अवगत कराया गया। श्रीमान द्वारा त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया और छपारा पुलिस की एक टीम गठित की गई, जिसे तुरंत यहां से रवाना किया गया। संबंधित जिला सतारा के स्थानीय पुलिस की मदद लेकर पुलिस टीम द्वारा सभी 10 मजदूरों को वहाँ से मुक्त कराया गया है और सभी मजदूरों को उनके परिजनों से मिलाया गया है।